मेरी मम्मी को बुलाओ। कोकी, ओ कोकी। कितना? मम्मी का नाम लेकर पुकारते हो? हाँ, तो वो भी मेरा नाम लेकर पुकारती है। अरे वो तुम्हारी मम्मी है। क्या कर रहे हो केशव? अरे ये तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा था। ये तो कुछ भी नहीं, उस दिन ये प्रेमा शालिनी को मम्मी कह के पुकार रहा था। वो तो ठीक है। क्या मतलब? प्रेमा शालिनी को तो उसका पति भी मम्मी कह के पुकारता है। क्या छोड़ो, ये कल मुझे केशव कहेगा तो? नहीं कहेगा चिंटू, सॉरी बोलो। सॉरी केशव। जाने दो केशव, बच्चा है। बच्चा है। अच्छा तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम्हारा टिफिन। टिफिन देखो तो आज मेरी कुकी ने क्या बनाया है। क्या हुआ? ये क्या, सिर्फ एक पूरी और सब्जी का एक टुकड़ा? सॉरी केशव, आज इस पर गुजारा करना होगा। क्यों? गैस खत्म हो गया है। अरे गैस खत्म हो गया तो क्या तुम मुझे खत्म कर दोगी? मतलब? क्या मतलब? शाम को क्या खाएंगे? शाम को तब तक गैस आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे। आज होटल में खाना खाएंगे। नो 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 चिंटू, होटल में खाना खाने से पेट खराब होता है। नो प्रॉब्लम, मेरा पेट तो पहले से ही खराब है। चलो ना केशव, आज तुम्हारी तनख्वाह है, आज खुशियाँ मनाते हैं। देखो कुकी, मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें खुशियाँ नहीं सिर्फ गम मनाया जा सकता है। केशव, महीने की पहली तारीख को अगर होटल में खाना खाया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पहली तारीख को नहीं पड़ेगा, फर्क आखिरी तारीख को पड़ेगा। ये लो एक दो टुकड़े को तुम खा लेना। डैडी होटल। चुप। डैडी होटल। डैडी चुप हो जाओ, तेरे डैडी नहीं मानने वाले। चुप हो जाओ। क्या नहीं मानने वाले? कोकिली, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ? अच्छा चिंटू रो रहा था। मैं तो घबरा ही गया था। क्यों? मुझे लगा कि केकू जी आपको पीट रहे हैं। वो मुझे कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि मुझे रुलाने के लिए उनके पास बहुत तरीके हैं। तो आप रोए या आपको कोई रुलाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन ये रो क्यों रहा था? ये जिद कर रहा था अपने डैडी के पास। काहे की जिद? आज इसे शाम का खाना होटल में खाना था। बस इतनी सी बात है? अरे चलिए तो हम ले चलते हैं होटल में। नहीं नहीं सुनिए तो, आज शाम को मैं और डॉल होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो आप लोग साथ में आइए ना। नहीं बाबा, इनको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कहते हैं पेट खराब हो जाता है। मैं बात कर लूंगा। वो नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, जब डॉल फोन करेगी ना तो एकदम मान जाएंगे। मैं और केशव कुलकर्णी को फोन करूं? कभी नहीं। डॉल प्लीज, मेरे लिए। मेरे लिए क्या? मैं उस आदमी को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, और तुम? डॉल में कोकी जी को प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो ये सब कोकी जी के लिए है? तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। इसमें गलत समझने की क्या बात है, तुम गलत काम करते क्यों हो? कमाल कर रही हो तुम, उनको डिनर पे मैंने बुलाया, इसमें कौन सा गलत काम कर दिया बताओ तो? इसमें गलत काम ये है कि डिनर पे केशव कुलकर्णी जी मेरे साथ फ्लर्ट करेंगे और तुम कोकी जी पर लाइन मारोगे। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोकी जी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। बस बस। एक बात बता, तुम्हें उन्हें डिनर पर इनवाइट करने की जरूरत क्या है? क्यों, भूल गई तुम? उन्होंने भी तो हमको चाय पे इनवाइट किया था। वो हमें चाय पिलाए और हम उन्हें डिनर खिलाए? डॉल का मान, यू आर सो प्रेटी, डोंट बी सो पेटी। कहाँ तुम और कहाँ वो लोग, कहाँ तुम्हारा स्टैंडर्ड, कहाँ उनका स्टैंडर्ड। मैं सच में बिग स्टार। अच्छा लगेगा कि तुम किसी को चाय पे इनवाइट करो? यू आर राइट देयर, नॉट यू, तुम नहीं मानोगे। सद्दू भी स्टाइल पर चेंज नहीं कर सकता है। हेलो हेलो, केशव कुलकर्णी जी हैं? मैडम आप कौन बोल रही हो? मैडम नहीं, मैं सर हूँ। छोड़े जाने दीजिए, आप उनको बोलिए कि प्रेमा शालिनी जी बात करेंगी। प्रेमा शालिनी का फोन है। किसके लिए? केशव कुलकर्णी के लिए। केशव कुलकर्णी काफी तरक्की कर ली है। हेलो प्रेमा जी, आप बोलिए बोलिए। What? डिनर पर जाएंगे? कब? आज शाम को? हम दोनों जाएंगे? ओह, फैमिली के साथ? नो प्रॉब्लम, ग्रेट ग्रेट प्रेमा जी। आ कहिए कहाँ? होटल टुक टुक। ओके ओके प्रेमा जी, थैंक यू वेरी मच।
ओके आ जाऊंगा। प्रेमा जी के साथ होटल टुक टुक। मिसेस मेहता भी आ गए हैं। मिसेस मेहता आज रात को आपको कुलकर्णी के साथ रहना है। मेरा मतलब है कि डिक्टेशन के लिए भाई। सर मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मैं नहीं रह सकती सर। तो भाई ओटी क्लेम कर लेना। ओटी? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं केशव से बोल देता हूँ। सर वो आज अवेलेबल नहीं है। क्यों? वो प्रेमा शालिनी के साथ डिनर पर जा रहे हैं टुक टुक रेस्टोरेंट में। आपको कैसे मालूम? मैंने फोन पर चुपके से सुन लिया। चुपके चुपके? इट्स वेरी बैड मिसेस मेहता, कभी आप मेरी बात भी सुन सकती हैं? यस मैडम, गो मैडम। उसो कुकले कुकले। हाँ सर, लगता है कि केशव ने आज भी बाजी मार ली और हमें पता भी नहीं चलने दिया। करता था भी। Excuse me, sir. आओ कुलकर्णी, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। नहीं, it's all right, sir. अच्छा, कुलकर्णी मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें कि ये बहुत जरूरी काम आ गया है, इसे आज ही पूरा करना है। रात को देर तक बैठकर भी ये काम आज पूरा होना ही चाहिए। सर आज ही करना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल। आज जरा प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम? वो क्या है सर, मेरी बीवी की तबीयत एकदम से खराब हो गई है सर। बीवी की तबीयत खराब हो गई? क्या है सर, उसे पेट में एकदम से दर्द, पेट में एकदम से दर्द होना शुरू हो गया है सर। यू मीन टू से पेट में दर्द? अभी भी उसका फोन भी आया था सर। अच्छा, तुम्हारी बीवी का? नहीं डॉक्टर का, नहीं बीवी का फोन आया था कि उसने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है सर। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले लिया है? मुझे जाना पड़ेगा सर, मैं जरा पगार लेकर निकलता हूँ। I mean if you don't mind sir, अगर आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ सर। रुक जाओ, रुकर कर नहीं, अच्छा ही लगेगा। नहीं अगर आप कहते हैं तो मैं चला भी जाता हूँ सर। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो क्या अगर वो सर दर्द बढ़ गया सर तो? कुलकर्णी उसके पेट में दर्द है। पेट में सर? वो क्या, वो टेंशन, यू नो मैं पगार लेकर निकलता हूँ सर। रोकले तेरा टेंशन में एक्सक्यूज मी सर। और रुपया कहीं का? गोखले सुना, इसकी बीवी की तबीयत खराब है। चलो अपन भी चलकर देखते हैं कि इसकी बीवी ने कौन से टुक टुक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है। कोकी बाहर आओ, कोकी जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। गांव से टेलीग्राम आया क्या? अरे नहीं, टेलीफोन आया है। किसका? प्रेमा जी का। मुझे लगा कि सासू जी ने। प्रेमा जी का टेलीफोन आया था, वो आज हमें शाम को होटल टुक टुक में ले जा रही है डिनर के लिए। और तुम मान गए? अरे वाह, प्रेमा जी बुलाया, हम ना माने? नहीं नहीं डैडी, बुरी बात है, होटल का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। चिंटू मैं भी यही कह रही थी। अरे आप लोग वक्त जाया मत करो, जल्दी करो ना यार। मैं नहीं आती। क्यों? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। अरे बाबा अच्छे कपड़े नहीं है तो जाके खरीद लो, डोंट वेस्ट टाइम वेस्ट मनी, आज ही तनख्वाह हुई है। क्या देख रही हो? नहीं देख रही थी कि प्रेमा शालिनी का एक फोन और तुम कितने बदल गए। हेलो। हाँ, बोलिए दिलरुख भाजी। हाँ बस निकल रहे हैं। हाँ, बस 5 मिनट 10 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ बस पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू। जल्दी करो कोकी। हाँ। वो दोनों होटल टुक टुक में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ कोकिला। हाँ। वो हमारी पुरानी शादी वाला कोट का है। मेरा मतलब है मेरा वो शादी वाला पुराना कोट का है। वो तो पुराने ट्रंक में रखा हुआ। पुराने ट्रंक में तो जल्दी से निकालो उसे, जल्दी से निकालो। लेकिन हमारे तो भूख के मारे पेट में मैना कुचल रहे हैं। चूहे क्यों नहीं? ये चाइनीज रेस्टोरेंट है ना।
आत्मा है ना, दिखाई नहीं देता है। आज तू मेरा संजय और मैं तेरा अंधा धर्मराज हूँ। एक्सक्यूज मी गोखले, कुलकर्णी कहाँ है? सर आपके सामने वाले टेबल पर ही बैठा है। चाचू, चाचू ये चाइनीज रेस्टोरेंट है ना, ये आपको बोल रहे हैं? यस सर। केशव जी आप ऑर्डर दीजिए प्लीज। आप दीजिए प्लीज। श्योर। चिकन चाव चाव, मटन भाव पाव, काका नूडल्स, काका नूडल्स, मंचूरियन, टुक टुक स्पेशल, टू राइस प्लेट्स एंड वन पूरी भाजी। चाव चाव नो म्याऊ म्याऊ। केशव जी, I was wondering, केशव जी आप आज मजाक के मूड में हैं? तो जी आप ही ऑर्डर दीजिए। मैं नहीं, असल में हम पहली बार चाइनीज होटल में आए हैं ना। चल केशव जी, आप पहली बार चाइनीज रेस्टोरेंट में आए हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो रोज चाइनीज खाता हूँ। इंडिया चाइना की वॉर भी तब से चाइनीज खाता हूँ। इसे मैं देशभक्ति समझता हूँ, देशभक्ति। Again he's joking. Come on, order Keshu ji. Okay. Chow chow, two bangan bhartas, four aloo ka parathas and one puri bhaji. Chachu. केशव जी ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। आप एक काम कीजिए, आप फ्राइड राइस मंगाइए। नहीं दिलरुबा जी, अगर राइस की आइटम मंगानी है तो फिर बिरयानी मंगाते हैं। दिलरुबा जी प्लीज आप ही ऑर्डर दीजिए ना। ठीक है, सबके लिए मैं ही ऑर्डर करता हूँ। चू चू चेचू, सुनो भाई, दो चिकन फ्राइड राइस, दो अमेरिकन चॉप सुई, और तीन हाका नूडल, और दो स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग? फिर तो वो स्प्रिंग से तो मुंह खुला रहेगा। कुछ पिएंगे आप? यस, हाउ अबाउट सम ड्रिंक्स? कॉफी, टू कॉफी। चिंटू तुम क्या लोगे बेटे? प्रेमा के बगल में दिलरुबा बैठा है, दिलरुबा केशव की बीवी पर लाइन मार रहा है और केशव प्रेमा जी पर। आपस में दोनों की ताकताकी चल रही है, ताकताकी चल रही है, चल रही है, चल चल। कमेंट्री चालू रखो कुकले। यस यस केशव, लेकिन अगर आप पीते नहीं है तो फिर आज क्यों पी रहे हैं? क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ। किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे हट, मैं किसी से नहीं डरता। अरे मैं तो अपने बॉस के सामने भी शराब पीता हूँ प्रेमा जी। सर, केशव कुलकर्णी ड्रिंक्स ले रहा है। क्या बोला? ये पकड़, चल बताए। प्रेमा जी मेरा बॉस जो है मुझे पूछे बगैर एक काम नहीं करता। यस, उसे कुछ आता ही नहीं। यस, अरे ऑफिस का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। यस, इसीलिए तो ऑफिस का सारा स्टाफ जो है वो मुझे मानता है, बॉस को नहीं। सर सर हम कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे सुनने दे कम वक्त की बातें। प्रेमा जी आज सुबह जब आपका फोन आया तब मैंने बॉस से क्या कहा? मैंने कहा है बॉस मैं जा रहा हूँ, मैं प्रेमा जी के साथ जा रहा हूँ, मैं उनको डिनर पार्टी के लिए ले जा रहा हूँ। यू शट अप, क्यों बीच में बोल रही हो तुम? स्टूपिड इडियट। एंड यू नो, मैंने जब उनसे कहा कि मैं प्रेमा जी को लेकर जा रहा हूँ तो बॉस ने क्या कहा? हमें कैसे पता होगा? यू शट अप प्लीज, आप बीच में मत बोलिए दिलरुबा जी, मैं प्रेमा जी के साथ बात कर रहा हूँ ना। पहले तो प्रेमा जी बॉस ऐसे खड़े हो गए। ऐसे खड़े हो गए और मुझे कहा प्रेमा जी के साथ जा रहे हो, गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी। I can't believe it. I am not talking to you. क्यों बीच में बोल रहे हैं? दिलरुबा जी बीच में मत बोलो यार, प्रेमा जी के साथ बात कर रहा हूँ, गाड़ी लेके जाओ। मैंने कहा हे बॉस नो, गाड़ी नहीं चाहिए मेरे को, मैं बस से जाऊंगा, टैक्सी से जाऊंगा, टैक्सी से जाऊंगा। उसमें क्या है, टैक्सी से हम लोग टैक्सी से आए। चेचू चेचू चलो। सर केशव के पूरे 12 बज गए।
नहीं नहीं कुकरे बिल आने दे फिर बचेंगे बारह. बिल मैं दूंगा. नो नो प्रेमा जी, बिल मैं दूंगा. नो, मैंने आपको पार्टी दी है. नो नो तो सही, मैंने पार्टी दी. ओके That's like a good girl. You shut up. Stupid idiot. Cookie. There is bill ko check karo. ये वेस्टर बहुत पागल है. इतनी जल्दी क्यों बिल लाया? चिंटू, चिंटू तुझे आइसक्रीम खाना है ना? सुनो भैया, हम सब नहीं, सिर्फ इसके लिए एक आइसक्रीम लाना है. और सुनो सुनो सुनो, ये बिल बिल लेकर जाना और वापस नया बना कर लाना. कुकी, तुम चिंटू का आइसक्रीम खिलाओ, मैं अभी केशव जी टॉयलेट की ओर गए. कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? पैसा चेक कर लेने दो. पैसा किधर गया? Only 25 पैसा, यानी कि पैसे गिर गए. Excuse me, चेचू, my friend चेचू, मुझे चेक बताओ. यहाँ का तुम्हारी होटल का बिल अगर मैंने नहीं भरा तो तुम क्या कर लोगे? आपकी भुए साफ करवा के आपको चीनी बना दिया जाएगा. और कल को मेरी जगह वेटर बनाकर कस्टमर्स के सारे ऑर्डर्स आपको लेने पड़ेंगे. मुझे देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, इस होटल में मैं भी एक बार अपने पड़ोसन को यहाँ लेके आया था. बस मगर और गिरना नहीं, संभल कर रहना. स्टुपिड इडियट, मैं आपको बोल रही हूँ. इडियट लुम्बा. अरे क्या लुम्बा, केशव के पास बिल्कुल पैसे नहीं है सर. हाँ? अब आएगा असली मजा. जी थैंक यू फॉर लवली डिनर. लवली डिनर, थैंक्स अ लॉट. हम बाय चेंज, बाय चेंज, बाय बेटा.
you have extra money? Money? Rumba! कुछ हो गया इंतजाम? तो आप क्या करें? एक काम करो कुकी। क्या? तुम चिंटू को लेकर घर जाओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे तो थोड़ी देर तो लग जाएगी ना, और दो तीन दिन तक घर नहीं आऊ तो चिंता मत करना, चिंटू का ख्याल रखना। से क्या फायदा है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी केशव? नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा बाबा, मुझे माफ कर दो। रिपीट प्लीज। चंग चंग चंग। केशव, होटल का मालिक आ गया बिल्ले। अच्छा, मैं होटल का मालिक नहीं, मिस्टर शर्मा हूँ। और मैं गोखले। ये तो मेरा मालिक है। मुझे बचा लीजिए, मुझे पैसों की सख्त। अरे मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हारे बिल का पेमेंट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये बिल मैं तुम्हारी पगार में से काटने वाला हूँ।